व्यापार व्यापार की बात पर आते हैं संजय जी, विश्वसनीयता संजय जी व्यापार की बात पर आते हैं भारतवर्ष की संजय जी व्यापार की बात पर आते हैं मेरा आपसे एक सीधा सवाल है संजय जी मेरा आपसे एक सीधा सवाल है आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य दे सकते हैं बिल्कुल इसकी आजादी है लेकिन फिलहाल मेरा आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल है आप एसपी की टैली देखिए आप बीएसपी की टैली देखिए एक तो मुस्लिम वोट के आप लोगों में बटा दूसरा नोटबंदी का आपने जो विरोध किया वो क्या आपको भारी पड़ा तीसरा कांग्रेस का हाथ आपने साइकिल पर लगा लिया या राहुल गांधी के साथ अखिलेश जी निकल पड़े यात्रा करने क्या वो आपको भारी पड़ा क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि वोट शेयर आना बाकी है ये है वो है लेकिन अब ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो चुके हैं काउंटिंग शुरू हुए बहुत ज्यादा रुझान पलटते नहीं है यहाँ से और इन रुझानों के मुताबिक आप अभी 70 सीट पर भी नहीं पहुंचे हैं मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि रुझान कुछ भी हो लेकिन देश का अगर सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन रही है तो देश का और अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है क्योंकि मोदी जी का जो व्यक्तित्व और जो चरित्र या भाजपा का जो चरित्र सर आपको यहीं पर रोक रही हूं फिलहाल में बीजेपी के एक और संसदीय बोर्ड का है परिणाम आने दीजिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद विधायक दल के निर्णय के बाद जो भी होगा उसकी भी जानकारी आपको देंगे क्या आप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे अगर दिया जाएगा आपको तो ये कोई अभी विषय नहीं अभी तो विजय का उत्सव मनाने दीजिए ये विजय किसकी है बीजेपी ये भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की विजय है ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी की विजय है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की विजय है और उत्तर प्रदेश की जनता की विजय निश्चित तौर से ये तो मैं पहले से कह रहा था लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था लेकिन मुझे भरोसा था अपने कार्यकर्ता पर उत्तर प्रदेश की जनता पर मोदी जी की लहर पर भरोसा था 2017 में हम 2014 दोहराएंगे हमने कहा था और आज 2017 में आज फिर कह रहा हूं 2019 में हम 2014 से भी बड़ी विजय लोकसभा में लेकर के माननीय मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव और बहन जी को सीटें आ रही हैं अभी मैंने पूरी देखी नहीं है लेकिन दोनों का सुपड़ा साफ होना चाहिए बुआ भतीजों ने मिलकर के यूपी को बर्बाद करने का काम किया चलिए खैर जो बीजेपी में सुर ऑलरेडी ऐसे हैं राजेश और आप एक बार वो वोट शेयर का आंकड़ा बता सकते हैं अब तक बिल्कुल वोट शेयर देखिए यूपी में जो इलेक्शन कमीशन का वोट शेयर है बीजेपी का है 40.6% एसपी का है 21% और बीएसपी का 22.3% राजेश जी इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी हार की तरफ है रुझानों में तीसरे स्थान पर है बहुत बड़े बड़े दावे अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर किए थे बहुत गालियां दी थी यहाँ पर बीजेपी समाजवादी बीजेपी को साथ ही साथ शिरोमणि अकाली दल को बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन उनको लग रहा था कि जो दिल्ली में मैजिक चला मिहिर वो शायद पंजाब में भी चल जाएगा गोवा में भी बहुत कोशिश की उन्होंने कि हम जो मैजिक दिल्ली में चलाया वही चलाएंगे लेकिन देखिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्या ये दिक्कत है क्या वो बार बार ऐसा करते हैं लेकिन उसमें जो वोटर है उसके मन में उनकी छवि धीरे धीरे ये बनती जा रही कि ये अपॉर्चुनिस्ट है ये कहीं भी चालू गाड़ी में चढ़ जाते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर सकते कि दो चार में से दो सांसद पंजाब का कोऑर्डिनेटर पांच एरिया कोऑर्डिनेटर सब टूट गए आपसे ये क्यों हुआ लेकिन अब या प्रभारी का गलती है या किसी और का गलती है वो तो मैं कह नहीं सकता मगर उससे नुकसान हुआ और आखिरी जो गलती ये थी कि उन्होंने कोई मुख्यमंत्री आगे नहीं खड़ा किया जब दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो काफी माने जाने मुख्यमंत्री है तो आपको लगता है बड़ा फेस नहीं था आम आदमी पार्टी के साथ एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस पीपल थॉट दैट आम आदमी पार्टी वाज नॉट कोहेरेंट इनफ टुगेदर इनफ और वो इसलिए भी नहीं सोच सके कि भाई जब अमरिंदर सिंह एक तरफ खड़ा है यहाँ कौन खड़ा है क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ आगा बजाएगा ये अफवाह खूब फैलाई गई बिल्कुल बिल्कुल मैं संजय जी आपसे मेरा एक सवाल है एंड आई एम फोर्स टू आस्क दिस क्वेश्चन जो आपने अभी छवि पेश की नरेंद्र मोदी जी की एंड की देश का विकास नहीं होगा आर्थिक विकास रुक जाएगा डिवाइसिव राजनीति होगी अब वो देखिए बयान तो आपकी तरफ से भी काफ़ी आए थे वो गुजरात के गधे तक की बात हुई थी लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक जो वोटर है उसके मन में प्रधानमंत्री मोदी की इस समय जो छवि है और दूसरा जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो जो छवि पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है प्रधानमंत्री मोदी की इन दोनों के बीच में क्या बहुत मेजर कॉन्ट्राडिक्शन है क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं वोटर के जनमानस को
देखिए वोटर नहीं समझ पा रहा भारत के राष्ट्रवाद को, देश प्रेम को, और वोटर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाया। को दे रहे हैं। पहले आप कह रहे थे कि वोटर बड़ा स्मार्ट है, मोदी जी कुछ भी करें लेकिन वो तो हमें वोट देगा। के द्वारा किया गया इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया गया कि वो वोटर ही भ्रमित है। और ये एक सेकंड, सरोज पांडे हमारे साथ हैं बीजेपी। सरोज, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि वोटर अकलमंद नहीं है, आपकी जरूरतें, वोटर भ्रमित हो रहा है मोदी जी से। सरोज आपका रिप्लाई। पता लगेगा कि आप टैक्सेशन से इतने मरते चले जा रहे हैं। सरोज आप विषय को फिर से रिपीट करेंगे तो कन्वीनियंट होगा। नहीं, सवाल ये था, हमारे साथ संजय अग्रवाल जी हैं जो कि एसपी के प्रवक्ता हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि वोटर भ्रमित हो गया है मोदी जी से, वोटर की गलती है कि मोदी जी को वोट दिया है। और ये देर है, अंधेर नहीं है, अभी भी वीर की वीरता लड़ने में है समाजवादी पार्टी। जब व्यक्ति हारता है तो उसे हार स्वीकार करना चाहिए, लोकतंत्र में ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। साइकिल पे दोनों बबुआ चढ़े लेकिन दोनों बबुआ साइकिल नहीं चला पाए, साइकिल चलानी नहीं आई, साइकिल को ले जरूर लिया लेकिन साइकिल चली नहीं, तो वोटर भ्रमित होगा ही। वो कह रहे हैं कि वोटर भ्रमित है, वोटर देश के प्रधानमंत्री के चमत्कारिक व्यक्तित्व से आकर्षित है, उनको समर्थन कर रहा है, उनकी कार्यशैली से प्रभावित है। संजय अग्रवाल जी, आपसे ये चाहिए कि क्या गलती को कर रहा है? गलती सबसे बड़ी आपसे ये हुई कि आपने कांग्रेस से टाई अप किया और उनको 103 सीट दे दिया। चाहूंगा, मेरा निवेदन है आपसे कि भाजपा ने क्या दिया है अभी तक? भाजपा ने उत्तर प्रदेश को या देश को क्या दिया है? एक भी चीज आप बताइए कि आपने एक्चुअल में दिया क्या है? स्मार्ट सिटी क्या आप दे पाए? मुद्रा लोन दे पाए? चलिए सरोज जी इसका जवाब देना चाहते हैं। सरोज क्विकली आप एक मिनट में जवाब दे दीजिएगा। लेट्स नॉट गेट इनटू डिबेट। सरोज जी डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट? कुछ नहीं दिया सरोज जी, आप जो देना चाहेंगे वो दिखाई दे रहा है जी। हमने जो किया है उसके लिए जनता ने समर्थन किया है, और इस प्रकार से जोर से बोलने से मैंने कहा कि साइकिल नहीं चल पाई, अपने अस्तित्व को खोजने के लिए इस राजनीतिक महाकुंभ में सपा और कांग्रेस दोनों साफ हो गई, गुम हो गई। राजनीतिक अभी आप जो आंकड़े देख रहे हैं, संजय मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अगर आप देख रहे हैं इस समय जी बिजनेस, लेकिन ये जो वोट शेयर का आंकड़ा है इसे आप देखिए, जो लोकसभा में 42% था, और इनफैक्ट काउंटिंग शुरू हुई उसके एक घंटे बाद हमने बात की भी थी कि शायद क्या पता ये आंकड़ा टॉप कर जाए उसको भी। शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं, जुड़ने वाले हमारे साथ, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। राजेश जी, ये जो वोट शेयर का आंकड़ा इसे आप देखिए, ये नोट बैन के बाद सबसे बड़ा रेफरेंडम या लिटमस टेस्ट मिस्टर मोदी के लिए था, वेदर बीजेपी लाइक्स इट और नॉट, राइट? और उनका वोट शेयर बढ़ा है। बिल्कुल वही सबसे बड़ी चीज़ है कि वोट शेयर जो मोदी का है वो बढ़ा है 2014 से, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो ये कही जा रही थी कि फर्स्ट तीन फेजेस में बीजेपी ने अच्छा नहीं किया था, बीजेपी फोर्थ फेज से रिवाइव की है, लेकिन जो हम आप देख रहे हैं हर फेज वाइज भी देख रहे हैं, पहले फेज में भी बीजेपी ने एसपी से काफ़ी आगे था, तो हर फेज में डोमिनेट किया है बीजेपी, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो हर सातों जोन में, हर सातों इलेक्शंस के जेन में बीजेपी ने डोमिनेट किया, और डोमिनेशन इस हद तक है कि आप वोट परसेंट देखिए तो आप एसपी की वोट परसेंट 21% है, लगभग आधी बीजेपी की, बिल्कुल अभी तक सबसे, बीएसपी की भी लगभग आधी 22.3% है, तो आधी वोट शेयर है उनकी, चाहे बीएसपी हो और एसपी हो, तो कांग्रेस से मिलने से उन्हें फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये अब शायद एसपी को इंटरनली जज करना होगा कि उनकी वोट शेयर करीब 11% क्यों गिरी। तो आप ये कह रही थी कि ये सबसे बड़ा वोट शेयर है अब तक बीजेपी का। मुझे लगता है कि यदि मोदी सरकार उसके खिलाफ किसी को मोर्चा लड़ना था तो जो गठबंधन था वो 6 महीने पहले करना चाहिए था, क्यों? बहुत सारे वोटर्स को ये लगा कि आखिर वक्त में खूब झगड़े के बाद कि किसको क्या सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक तरह से खिचड़ी गठबंधन है, तो और ये फैसला पहले भी जब बिहार में हुआ उन्होंने सबको तय करके सबको साथ लेके किया, तो इस तरह के जो अपॉर्चुनिस्ट गठबंधन लगते हैं लोगों को उससे वो बीजेपी का टक्कर नहीं ले सकते। देखिए, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया है 1991 के बाद, वो उससे भी बहुत बेटर उसने यहाँ पर परफॉर्म किया है, और शायद जो नरेंद्र मोदी लगातार बात कर रहे थे कि हम 300 के आंकड़े को पार कर जाएंगे, वो शायद बहुत मुश्किल नहीं होगा। संजय जी, आपको बहुत सारे तीखे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन एक बहुत आसान से सवाल का जवाब दे दीजिए कि कल रात को आपको ढंग से नींद आई थी? हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय
हाँ बिल्कुल, हमको ढंग से नींद आई थी क्योंकि हमको अपने अपनी ताकत में और अपने भारतवर्ष के पूरे नेटवर्क में बहुत बड़ा भरोसा है। समाजवादी पार्टी को हम राष्ट्रीय पार्टी बना करके 2019 में आपके सामने पूरी ताकत से। सर 2019 छोड़िए, क्योंकि हमेशा हम कहते रहे हैं। संजय जी 2019 छोड़िए, आपको सच में लगता है कि सुबह के 10:30 बजे जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उसके बाद सच में आपको ये बोलना चाहिए जो इस समय आप बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी समाजवाद की पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पार्टी है। जनता एडवर्टीजमेंट में आ सकती है लेकिन मूल स्वदेशी लोग, काम करने वाले लोग इसमें नहीं आ सकते। हम लोग पूरी ताकत से 2019 में जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे। सुधांशु त्रिवेदी इस बीच कुछ बोल रहे हैं बीजेपी के, हमारे संवाददाता मृत्युंजय ने उनसे बात की, एक बार सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीजेपी ऑफ द लास्ट सेवरल डिकेड्स। सर क्या आपको लगता है, चूंकि आप राजनीति को काफी करीब से देखे हैं, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो कास्ट का एक ब्लॉक था वो ब्लॉक टूटा है? क्योंकि मायावती का 26-27 सीट रुझानों में आना ये इस बात को दिखाता, क्योंकि मायावती के बारे में ये कहा जाता था बीएसपी के बारे में कि बीएसपी की वोटों की गिनती ही 2000 से शुरू होती है और 20-21% वोट का दावा वो अपने वोट बैंक के तौर पर करती आ रही है। क्या आपको लगता है कि जाति का ब्लॉक पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो गया? देखिए सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में एक या दो वर्ग की बात करती थी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती थी। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, पूरा यूपी हमारे साथ। सर आखिरी सवाल आपसे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या दिल्ली में दिखने वाला कोई बड़ा चेहरा होगा या आपका कोई इनविजिबल बड़ा टैलेंट सामने आएगा? इस विषय में पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड और विधायक दल समस्त पहलुओं पर विचार करके एक उपयुक्त और प्रभावी नेतृत्व देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। तो ये थे सुधांशु त्रिवेदी थे, लेकिन इस बीच सुलेमान जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। सुलेमान जी आप सुन पा रहे हैं क्या? जी जी जी। सुलेमान जी आपसे मेरा एक सवाल है और आप ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा, क्या वाकई कांग्रेस को बहुत सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है? हर बार राहुल गांधी के सहारे कैंपेन आप शुरू कर देते हैं और जिस तरह का प्रदर्शन होता है, तो देखिए उनका फोकस राहुल गांधी का पंजाब पर कम था, गोवा पर कम था, मणिपुर पर कम था। यूपी वॉज अ प्रेस्टीज इश्यू फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मिस्टर राहुल गांधी। 2019 के लिए आपको वाकई बड़ा मनोमंथन करना पड़ेगा यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर। बहुत अच्छी आप, बहुत अच्छे से आप पूरी डिबेट चलाते हैं कि यूपी पे ज़्यादा ध्यान था क्योंकि पंजाब जीत रहे तो वहाँ राहुल गांधी जी का ध्यान नहीं था, गोवा में भी नहीं था, मणिपुर में भी नहीं था। जहाँ जहाँ कांग्रेस जीत रही है आगे वहाँ राहुल गांधी जी का ध्यान नहीं था, जहाँ आपका ये कहना है हार रही है वहाँ राहुल गांधी जी का ज़्यादा ध्यान था। आप जैसा चाहें कहें, मेरा ये कहना है हम एक स्टेट पंजाब जीत रहे हैं, मणिपुर और गोवा में आगे हैं, राहुल जी ने वहाँ भी कैंपेन किया है। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ ज़्यादा रैलीज होती हैं, ज़्यादा कैंपेन होता है। राहुल जी ने भी ज़्यादा रैली यहाँ पर करी, अखिलेश जी ने भी करी, मोदी जी ने भी करी, सारे लीडर्स को ज्यादा यूपी में इसलिए कैंपेन और रैलीज करना पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है। नहीं पर सुलेमान जी उत्तराखंड में क्या हुआ? इस हिसाब से उत्तराखंड में आपकी सरकार भी थी पहले से, इंट्रोस्पेक्शन में सीएम पीछे चल रहे हैं। हाँ जी जी, उत्तराखंड में आपके सीएम कैंडिडेट भी पीछे चल रहे हैं, दोनों सीट पर पीछे। हाँ बिल्कुल सही आपने बताया कि सीएम कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। हाँ उसमें बीजेपी बहुत लीड ली हुई है, ये रुझान हमें मालूम है। बहरहाल जो भी नतीजा होगा, जो भी मैंडेट होगा, अभी और फाइनल नतीजा आने दीजिए, इंट्रोस्पेक्शन होगा। कोई भी आप देखिए, हम कोई भी एनालिसिस अपना जब कर पाएंगे जब हर सीट का रुझान सामने आएगा, वोट परसेंटेज सामने आएगा, तभी हो पाएगा।